हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। आयु को देखो, ऑयल मसाज होके कैसे ये बस गोदी में ही रहना चाहता है। और सुबह उठ के वो गुड्डी आंटी के घर चला गया था। वो गुड्डी नीचे आई तो उसको ले गई थी। तो आज थोड़ा इसका ऑयल मसाज लेट में हुआ, और आज संडे है तो मैं भी थोड़ा लेट में उठी हूँ, क्योंकि हर रोज 6 बजे उठना होता है, प्रियंसी को स्कूल भेजना होता है, फिर और क्या सोना। तो नींद ये हो जाता तो हमको एक दिन मिलता है वीकली संडे को, ताकि नींद पूरी करो। तो प्रियांशी का लेकिन कॉल आया उसके दोस्तों का, तो वो 7 बजे उठ गया। आज संडे को भी वो ज़्यादा टाइम सोई नहीं है, क्योंकि उसका कोचिंग में आज टेस्ट है। वो 9 बजे से जा भी चुकी है, 11-12 बजे आएगी। और ये हो रहा है ना, संडे को उसका एक्स्ट्रा क्लास हो रहा है एंड कोचिंग में टेस्ट भी हो रहा है, अभी एग्जाम है, तो इसी वजह से वो ओडिसी क्लास नहीं जा रही है। और ऐसा ही होता है, एग्जाम के टाइम में इधर क्लास हो जाता है। और इसको मैं इतना तेल हेयर में लगा दी हूँ ना, पूरा चिपचिपाहट हो गया है। तो चिढ़ रहा था बाबू हमारे, चिढ़ रहा था। हंस दो बाबू, हंस दो, हंस दो। आज इतना हंसना खेलना सब गुड्डी आंटी के घर से करके आ गया। हे ना, इसको अभी ना नींद नींद थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लग रहा है मुझे। इसको अगर मैं झूला में रख दूंगी तो ये थोड़ा ऐसे ऐसे करके अपना वो टॉय देख के सो जाएगा, क्योंकि ये 8 बजे, 8:30 बजे से उठा है और अभी तक नहीं सोया है। घूमने गया था, घूम घूमी करने गया था, घूमे घूमी। ओ उरु बाप रे, अरे बाप रे। और आज संडे ना वीडियो शूट हो सकता है, ना कहीं बाहर जा सकते हैं, कुछ नहीं। प्रियांशी का ओनली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि कल एग्जाम है उसका जीके का। उसके बाद 2 दिन छुट्टी, उसके बाद फिर उसका IBS जो है मिड टर्म एग्जाम वो हो जाएगा। तो सीरियसली अब पढ़ाई पढ़ाई दिस वीक। और हमको अभी अक्टूबर 6 तारीख तक मतलब टाइम ही नहीं मिलेगा शूटिंग के लिए। प्रियांशी का कोई वीडियो या आयु का कोई वीडियो, पढ़ाई पढ़ाई होगा इस 15 दिन का, 15 से 20 डेज का। आफ्टर एग्जाम फिर दोनों भाई बहन का शूटिंग होगा। क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? उसके दीदी जब घर में नहीं होते तो ये ऐसे चुप 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 रहता है, और दीदी जब ट्यूशन से आ जाती है तो इसका देखना कितना उछल कूद करने लगता है, चिल्लाने लगता है। क्या करें, क्या करें, क्या करें। और आज विश्वकर्मा पूजा है, तो आयु को तो मैं संभाल रही हूँ, तो उसके पापा गाड़ी धोए हैं, क्योंकि अभी मैं इसको ये सो जाएगा तो नहा के पूजा कर लूँगी। गाड़ी प्रियांशी का साइकिल है नहीं, वो जब ट्यूशन से आएगी अपना साइकिल वो खुद धोएगी और फिर उसका भी वो पूजा करेगी। और हम तीनों का तो हो गया है, हम दोनों का हो गया है। आयु को क्या मिलेगा, वो बड़ा साइकिल, बड़ा साइकिल मिलेगा। आयु का क्या मिलेगा जी, वो बड़ा साइकिल इसका है। उसके पापा का साइकिल आयु लेगा, बड़ा होके चलाएगा। तो मुझे बस सोच सोच के हंसी आ रही है कि वो इतना बड़ा साइकिल और ये इतने टिंकड़ू है तो ये कैसे चलाएगा। सोच रहे हैं, सोच रहे हो, सोच रहे हो। अभी तक मैं सागू भी नहीं खाई हूँ, जा रही हूँ अभी खा लूंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आयु सो के उठा था और उसका ऑयल मसाज होके फिर से सो गया है। देखिए इसका सोने का स्टाइल, किसी किसी दिन इसको बहुत अच्छा लगता है, मतलब मसाज होने से ठंडा ठंडा मौसम रहता है तो आराम से सो जाता है। देखो ना कैसे सो गया है ना। और जब सोता है मैं टिक्का उसका बिंदी लगाती हूँ, तो इसीलिए ऑयल मसाज करके उसको सुला दिए हैं। मैं बना रही हूँ चाय। और प्रियांशी, प्रियांशी तुम क्या कर रहे हो? वो कर रही है अपना प्रोजेक्ट एंड पढ़ाई। वो प्रोजेक्ट पता नहीं कल जाके सबमिट करेगी फाइनली, इसीलिए। और मैं बिठाई हूँ मेरा चाय, इधर उधर हो जा रहा है, चाय थोड़ा पीऊँगी। अभी तक पी नहीं, अभी 7 बज चुका है, तो जब आयु उठेगा प्ले करेगा तब फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, अब आयु का नाइट मसाज हो के तैयार, हो के स्लीपिंग करने के लिए पूरा मूड में है। लेकिन क्या हुआ ना, ये मैं जो आपको दिखाई, इवनिंग से पूरा सो रहा था, सो रहा था, पूरा 9 बजे उठा है। एंड उसका दीदी का कल जीके एग्जाम है, तो मैं उसको पूछ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। मतलब उसका जितना भी रिवीजन है दोनों माँ बेटी मिलके कर रहे हैं। मतलब वो एक चैप्टर पढ़ती है, मैं उसको क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर आंसर देती है। जो रॉन्ग होता है उसको मैं उसको लिखवा देती हूँ, लिख के फिर एक बार पूछती हूँ। ऐसे 2-3 बार पूछने से उसके दिमाग में रह जाता है, तो एग्ज़ाम अच्छा होगा सोच के मैं, मतलब एग्ज़ाम के मतलब पहले दिन मैं सारा रिविजन उसको कराती हूँ। तो अभी आयु को भी नींद नहीं लगेगा, मुझे भी नींद नहीं लगेगा। इस संडे को क्या किए हैं, हम सब सो गए हैं लंच करके। प्रियांशी को तो मुझे खिलाना पड़ा आज 2:30 बजे, उसको लंच का मन नहीं था। क्या हो दोनों? और आयु पता नहीं क्यों अभी
इतना उल्टी कर दिया कि मुझे मतलब नाइटी चेंज करना पड़ा, मेरे ऊपर सारा कर दिया पता नहीं कैसे। दूध पिलाई और उसको मैं सोच रही हूँ ऐसे मतलब बर्पिंग नहीं की, भूल गई थी तो इसी वजह से शायद उसका उल्टी हो गया है। लेकिन उल्टी करने के बाद ये मतलब बहुत हैप्पी हो गया, खुश हो गया और प्ले करने लगा। और प्रियांशी का मन ना इसके तरफ ज़्यादा जा रहा है, ये अगर बेड में प्ले कर रहा है तो वो उस रूम में पड़ रही है। इधर इतना गर्मी हो रहा है कि पूछे मत, बारिश तो हो रहा है फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा, इतना गर्मी। आज बारिश हुआ नहीं बुढ़ा बुढ़ा बुढ़ा, क्या देख रहे हो इधर, बड़ा बड़ा लाइट दिख रहा है मेरे भाइयों, लाइट देख रहा है, लाइट देख रहा है। और फ्रेंड्स कुछ दिनों का बात है, आज तो हो गया 17, तो इस महीने का 13 डेज, और उसका 5 तारीख को ख़त्म हो रहा है एग्ज़ाम। तो 6 तारीख से मेरे व्लॉग में प्रियांशी आएगी, तो हम सोच रहे हैं कि उसका एग्ज़ाम के तक उसको मतलब व्लॉग से आउट रखें ताकि उसको डिस्टर्ब ना हो और वो पढ़ाई में पूरा मन लगाए। मोबाइल भी देखना बंद कर दी हूँ उसका मैं, मोबाइल देख देख के मतलब रील्स बनाने के लिए देखते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है ना, तो एग्ज़ाम के टाइम तो पूरा कंसंट्रेट करके पढ़ना चाहिए, पढ़ाई में ही रखना है। तो इसीलिए वो अपना शेड्यूल भी बनाई है और वीडियो भी कुछ शूट नहीं करेंगे अभी, जो जो ओल्ड वीडियो है पहले वाला है वही छोड़ेंगे अगर छुट्टी मिला तो। एंड शॉर्ट्स पता नहीं उसका छुट्टी होगा परसों, मतलब गणेश पूजा के दिन तो वो कोचिंग जाएगी। एंड नुआखाई का छुट्टी होगा तो उसके अगले दिन एग्ज़ाम है, तो अभी नहीं बना पाएंगे, आज भी नहीं बनाए। आज दोपहर को हम सो गए जैसे कि मैं बोल रही थी सबको ही, एंड मैं 5 बजे उठी, ये भी उठ गया 5 बजे, फिर ये सो गया झूला में आके, फिर इसको ऑयल मसाज के टाइम मैं उठाई, फिर ऑयल मसाज के टाइम के बाद आधे घंटे बाद 7:30 8 बजे फिर से सो गया, 9 बजे उठा है अभी। लेकिन ये सोएगा नहीं 11 11:30 तक, अगर जब तक लाइट ऑफ ना होगा और मैं उसके साथ ना सोऊं अभी ये सोएगा नहीं। तो ये भी अभी उसको भी नींद नहीं लगेगा, प्रियांशी को भी नींद नहीं लगेगा। और उसका तो एक बुक्स का जीके कंप्लीट हो गया है, जो ये वाला बुक का है मतलब 30 पेज तक है वो सारा, मुझे अभी मतलब उसको रिवीजन कराना है। तो इसीलिए आज संडे मतलब पढ़ाई डे हो गया संडे, और प्रियांशी का जो मस्ती डे होता है था इस बार संडे, उसको पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सुबह गई कोचिंग एग्जाम दे के आई, फिर दोपहर को पढ़ाई, फिर सोई, फिर पढ़ाई। तो आयु तुम कैसे फील कर रहे हो, प्रियांशी दीदी तुम्हारे साथ नहीं खेलू खेलू कर रहा है, प्रियांशी दीदी आयु के साथ भी नहीं खेलू खेलू कर रही है, पढ़ाई में बिजी है ना बाबू, ये ना बाबू। तो मम्मी पापा इसके साथ खेल रहे हैं अभी, और ऊपर की गुड्डी आंटी के पास जाता है आयु, और श्रेयांश भाई आता है तो उसके साथ भी प्ले करता है। सो फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करना, एंड अच्छा तो नहीं लग रहा है प्रियांशी मतलब आयु और मैं बना रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे पता चल रहा है कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक रूटीन है ना, मैं डेली ब्लॉग दे रही हूँ तो इसीलिए फिर बना रहे हैं हम माँ बेटे, बहुत मुश्किल से बना रहे हैं टाइम निकाल निकाल के। ओ 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 गुड नाइट प्रिंस बोल दो, तो थोड़ा सा प्यार भी दिखा दो हमारे ब्लॉग के लिए, और ये आयु के मासूम से मुंह के लिए बता दो कि उसका चैनल भी तो मैं आप लोगों को बताई हूँ ना आयांस वर्ल्ड, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो, उसमें भी मतलब फ्राइडे फ्राइडे ब्लॉग आता है, ब्लॉग तो नहीं वीडियो आएगा, एक ही वीडियो ही देना बहुत मुश्किल है। पहले अगर आगे को अगर आयु थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो टाइम मिलेगा तो हम दो दो वीडियो डालना शुरू कर लेंगे वीकली, अभी वीकली एक दे रहे हैं और शॉर्ट सारा दे रहे हैं। थूक क्यों निकाल रहे हो, बातें करने के लिए, ये बहुत सारा बातें करता है, रोज रात के 11 12 बजे तक चिल्लाता रहता है, उसको सुनो तो नहीं सुनोगे तो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड नाइट, ओहो नींद आ गया फिर, गुड नाइट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स लोगों को गुड नाइट बोल दो, बाय बाय, गुड नाइट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बाय बाय, बाय बाय फ्रेंड्स।